नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ट्यू 12 पर स्वागत है। आइए देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी 12th में CBSE ने क्या क्या हटाया है। सो यूनिट 5 प्रोटीन एंड जीन मैनिपुलेशन के चैप्टर 1 रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से उन्होंने हटाया है फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स, सेकंड DNA लाइब्रेरी, थर्ड साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। इसी यूनिट के चैप्टर 2 प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग से उन्होंने हटाया है फर्स्ट 3D शेप ऑफ प्रोटीन्स एंड सेकेंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसी यूनिट के चैप्टर 3 जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स से उन्होंने हटाया है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स, थर्ड हिस्ट्री ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फोर्थ सिक्वेंसेज एंड नॉमनक्लेचर। यूनिट 6 सेल कल्चर एंड जेनेटिक मैनिपुलेशन के चैप्टर 1 से जो कि है माइक्रोबियल सेल कल्चर एंड इट्स एप्लीकेशन से उन्होंने हटाया है फर्स्ट स्केल अप ऑफ माइक्रोबियल प्रोसेसेस, सेकंड बायो सेफ्टी इश्यूज इन माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। चैप्टर 2 इसी यूनिट के चैप्टर 2 प्लांट सेल कल्चर एंड एप्लीकेशन से उन्होंने हटाया है जीन ट्रांसफर मेथड्स इन प्लांट्स। नेक्स्ट चैप्टर 3 एनिमल सेल कल्चर एंड एप्लीकेशंस से उन्होंने हटाया है फर्स्ट कैरेक्टराइजेशन ऑफ सेल लाइंस, सेकंड मेथड्स ऑफ जीन डिलीवरी इनटू सेल्स, थर्ड स्केल अप ऑफ एनिमल कल्चर प्रोसेस, फोर्थ टिश्यू इंजीनियरिंग। प्रैक्टिकल्स से उन्होंने 3 प्रैक्टिकल्स हटाए हैं। प्लीज़ अपनी प्रैक्टिकल बुक खोल लीजिए और फिर उसमें से मार्क कर लीजिए। फर्स्ट है आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक DNA CTAB मेथड, सेकंड बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग एनी प्लास्मिड, थर्ड रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ प्लास्मिड DNA एंड इट्स एनालिसिस बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आशा करती हूँ कोरोना वायरस से आप अपने घर में हैं। हमारी अगली वीडियो आने तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, डू लाइक आवर वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल द टाइम आवर नेक्स्ट वीडियो कम्स आउट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।